ठाकुरों की भाजपा से कथित नाराजगी को दूर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार यानी कि आज के दिन मुजफ्फरनगर के सरधाना विधानसभा क्षेत्र के राधरना गांव में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मतभेद आड़े नहीं आना चाहिए। सीएम ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने नौजवानों के जीवन को निगलने का काम किया था उन्हें माफ करने की जरूरत नहीं है। रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ठाकुरों को महाराणा प्रताप के जीवन की याद दिला दी। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन विदेशी ताकतों के आगे कभी नहीं झुके। जिन लोगों ने इस क्षेत्र में बहन बेटियों की इज्जत नीलाम करने का काम किया था उन्हें पनपने का मौका नहीं देना है। योगी ने कहा कि ये लोग दुम दबा कर आएंगे और जीतने के बाद गिरेबान में हाथ डालेंगे, सौदागर आएंगे, सौदा करके गायब हो जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा सरकार ने सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया। हमें व्यक्तिगत मतभेद को दरकिनार करके राष्ट्र धर्म और राष्ट्र के लिए ही सोचना है। ये वीरों की धरती है, वीरता कभी कायरता नहीं दिखाती और मौका मिलने पर अपना सर्वस्व निछावर करने का काम करती है। योगी ने कहा कि जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके चक्कर बिना आए जाति के सौदागर उपयोग करेंगे और सौदा करके गायब हो जाएंगे। अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं और केवल यहां की सभा के लिए आया हूं, अन्यथा मेरे और भी कार्यक्रम थे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा सरधना में, मैं इस बार जरूर जाऊंगा, चौबीसी में मैं जरूर जाऊंगा। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं, ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। याद रखना, इस देश के राष्ट्र धर्म को हमेशा खतरा जब भी आया है इन्हीं लोगों के कारण आया है जिन्होंने जातीयता के आधार पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, हमेशा छिन्न भिन्न किया है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है।